दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड है कि अगर मैं एक्सपोर्ट करने जा रहा हूं तो मुझे मार्जिन कितना लेना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि आपको किस अकॉर्डिंगली मार्जिन लेना है अपने बायर से। सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि एक्सपोर्ट कर रहा हूं 5, 10, 15, 20% मार्जिन लेके मैं अच्छी कमाई कर लूंगा, तो ये ध्यान में रखिए, ये बहुत ही बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं आप। क्योंकि कारण ये है, अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पूरी नॉलेज है तो इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए, लाइसेंसिंग के बारे में पता होना चाहिए, खर्चे लगते हैं इसमें, इंश्योरेंस कराएंगे तब खर्चा होगा, अगर पैकेजिंग कराएंगे तो खर्चा होगा, इंस्पेक्शन कराएंगे तो खर्चा होगा, लॉजिस्टिक और शिपिंग में खर्चा होगा। आप खुद देखिए, समझिए, पेट्रोल के और डीजल के रेट पहले क्या थे और आज क्या है। सपोज कीजिए आपने बायर से ऑर्डर ले लिया, इस दौरान पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ गया। अब जब पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ता है तो ये तो आपको भी पता है कि हर चीज का भाव बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का भाव सबसे पहले बढ़ जाएगा, उसका किराया बढ़ जाएगा, शिपिंग जब करेंगे उसका किराया बढ़ जाएगा। तो अगर मैंने ऑर्डर ले लिया और शिपिंग का किराया बढ़ गया तो मैं फंस जाऊंगा, अगर मैंने मार्जिन कम लिया तो मैं फंस सकता हूं। खुद सोचिए, इंस्पेक्शन, इंश्योरेंस, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक एंड शिपिंग, डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद आपके मिसलेनियस खर्चे। आप खुद सोचिए यार, आप अगर कहीं से माल मंगवा रहे हैं, आप उसका प्रोक्योरमेंट भी तो कर रहे हैं, आप अपने वेयर हाउस का भी तो खर्चा कैलकुलेट करके चलेंगे, तो ये सारे खर्चे आपको ध्यान में रखने हैं। मान के चलिए मैंने सिर्फ 20% मार्जिन लिया, किराया बढ़ गया, 20% वहीं चला गया, अब मैं क्या करूँगा? तो दोस्तों, मेरी सलाह ये रहेगी कि कम से कम 50% या हद मार के, मान के चलिए अगर आप चाहते हैं, नहीं सर 50% नहीं, बायर नहीं मान रहा, तो 40% तक तो मार्जिन लेके चलिए। मुझे एक सवाल बताइए, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो क्या मुझे समाज सेवा करनी है? अगर जिस ट्रेड में, जिस बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है, मैं वो बिजनेस करूं क्यों? अगर आप सोचते हैं 5, 10, 15, 20% कमाना है, तो वैसे ही दुनिया में 3600 ऐसे ट्रेड हैं जो आप कर सकते हैं। आप अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं, इतने मार्जिन पे तो कोई भी बिजनेस में आपको काम मिल जाएगा। लेकिन यहां मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जा रहा हूं यार, और एक्सपोर्ट अगर मैं कर रहा हूं तो मार्जिन में ना किया तो क्या किया? तो आप खुद सोचिए, ये जो ट्रेड है ये बड़े लोगों का ट्रेड है, यानी पैसा कमाना जो चाहते हैं उनके लिए ट्रेड है। तो पैसा क्या बिना मार्जिन से आएगा? हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको सही गाइडेंस दी जाए। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 40-50% मार्जिन रखिए, ताकि किसी भी तरीके का इन्फ्लेशन हो जाए, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है वेयर हाउस का रेंट बढ़ गया, हो सकता है जहां से मैं माल ले रहा हूं उसने अपना भाव बढ़ा दिया, तो मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकूं और मैं अपना ऑर्डर फुलफिल कर सकूं, मैं एक्सपोर्ट करा सकूं, मैं मार्जिन ले सकूं, मैं प्रॉफिट कमा सकूं और मैं अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकूं। क्लियर दोस्तों? लगातार कमेंट बॉक्स में टाइप करें #करियरगुरु करियर गुरु और अपने सवाल पूछते रहिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं करियर गुरु हर्ष धवन के नाम से, आपको लेटेस्ट अपडेट्स उसके अंदर मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।